तो हेलो एनिमे फैन, स्वागत है आप सभी का एक नए क्विक रिकैप वाले वीडियो में। एंड आज मैं नारुतो एनिमे के सेकंड एपिसोड का रिकैप करने वाला हूँ। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट द वीडियो। अब एपिसोड का नाम है कोनोहामारु। फर्स्ट एपिसोड में नारुतो निंजा बनने के पाथ पर चल चुका था, तो अब उसे निंजा आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए एक फोटो खिंचवानी होती है। एंड नारुतो ये फोटो भी शैतान हरकतों के साथ खिंचवाता है, बट थर्ड होकागे नारुतो की इस फोटो को रिजेक्ट कर देते हैं। अब थर्ड होकागे को मनाने के लिए नारुतो अपना स्पेशल जुत्सु परफॉर्म करता है एंड थर्ड होकागे चौंक कर गिर जाते हैं। अब थर्ड होकागे का पोता कोनोहामारु अपनी ताकत दिखाने के लिए उन पर शुरिकेन से अटैक करने आता है, बट वो रास्ते में ही गिर जाता है। एंड अब वो नारुतो को कहता है कि तुमने मुझे गिराया है। फिर कोनोहामारु के टीचर इबिसु सेंसेई वहां आते हैं एंड उसे नारुतो से दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि इबिसु सेंसेई नारुतो को एक परेशानी खड़ा करने वाला बच्चा मानते थे। अब कोनोहामारु सोचता है कि नारुतो कोनोहामारु के दादा थर्ड होकागे से डर के उसे कुछ नहीं कहेगा, बट नारुतो थर्ड होकागे की परवाह किए बिना कोनोहामारु के सर पे मारता है एंड उसे डांट कर वहां से चला जाता है। अब कोनोहामारु नारुतो से इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि वो थर्ड होकागे से नहीं डरता एंड नारुतो का पीछा करने भाग जाता है। अब होकागे सारुतो भी सोचते हैं कि काश नारुतो उनके पोते को कुछ शैतानी न सिखा दे। अब आगे वो नारुतो से कहता है कि मैं तुम्हें अपना बॉस बना रहा हूँ एंड प्लीज तुम मुझे अपना स्पेशल जुत्सु सिखाओ जिससे तुमने थर्ड होकागे को गिरा दिया था। अब नारुतो कोनोहामारु को एडल्ट मैगजीन पढ़वाने लेकर जाता है, फिर उसके बाद लेडीज बाथ हाउस भी लेकर जाता है ताकि वो उसे अपनी स्पेशल टेक्निक सिखा सके। अब वो दोनों जंगल में आते हैं एंड सिर्फ नारुतो को ही मार पड़ती है। एंड कोनोहामारु इसका रीजन बताता है, क्योंकि मैं थर्ड होकागे का पोता हूँ इसलिए लोग मुझे कुछ नहीं कहते। एंड कोनोहामारु नारुतो को बताता है कि उसे स्ट्रॉन्ग होकागे बनना है ताकि लोग उसे कोनोहामारु के नाम से जाने, थर्ड होकागे के पोते के नाम से नहीं। अगले सीन में होकागे सारुतो भी इयुका सेंसेई से बात करते समय कहते हैं कि नारुतो भले ही निंजा बनने के रास्ते पर चल पड़ा हो, पर विलेज के लोग अब भी उसके अंदर कैद नाइन टेल फॉक्स से डरते हैं। थर्ड होकागे बताते हैं कि उन्होंने एक नियम बनाया था कि नारुतो के बारे में अफवाह फैलाने वाले आदमी को कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि निंजा फोर्थ होकागे की आखिरी इच्छा थी कि लोग नारुतो को एक हीरो के रूप में देखें, क्योंकि उसने ही पूरे विलेज की जान बचाई है। अब इबिसु सेंसेई वहां आकर कोनोहामारु को डांटने लग जाते हैं एंड तभी कोनोहामारु स्पेशल जुत्सु का यूज करता है, बट इबिसु पर इसका कोई असर नहीं होता एंड वो उसे और डांटने लग जाता है। अब नारुतो अपने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु एंड ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु को कंबाइन करके एक नई हैरम टेक्निक बनाता है एंड उसकी हेल्प से इबिसु को बेहोश कर देता है। एंड ये सब थर्ड होकागे अपनी मैजिकल क्रिस्टल बॉल से देख रहे होते हैं एंड कहते हैं कि नारुतो की इस टेक्निक के आगे तो मैं भी हार गया था। अब कोनोहामारु नारुतो से पूछता है कि मैं इबिसु सेंसेई को क्यों नहीं हरा पाया, तो नारुतो उसे समझाता है कि एक ताकतवर होकागे बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को साबित करना होता है बिना शॉर्टकट्स की मदद लिए। अब कोनोहामारु बोलता है कि तुम मुझे ऐसे लेक्चर नहीं दे सकते एंड आज से तुम मेरे बॉस नहीं बल्कि मेरे राइवल हो। अब नारुतो कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग तो वैसे भी नहीं दे सकता था, मेरी खुद कल से निंजा ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। एंड नारुतो ये कह के वहां से जाने लग जाता है एंड उसके पीछे कोनोहामारु उसे सल्यूट मारता है। एंड आगे थर्ड होकागे भी नारुतो की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। तो यही था नारुतो एनिमे के सेकंड एपिसोड का क्विक रिकैप। अब मैं मिलूंगा आपसे एक और रिकैप वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।